नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए और जो स्टॉक्स बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए। दोस्तों देखिए, आज क्रेडिट पॉलिसी थी तो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहा, ऊपर नीचे दोनों साइड में यहाँ पे एक जबरदस्त मूवमेंट हुई और मूवमेंट होने के बाद हमने जाके क्लोजिंग कर दिया है। 33,000 के आसपास में हमने क्लोजिंग की है, 32,991 पे हमने यहाँ पे एग्जिट क्लोजिंग दिया। जो आज का हमने हाई लगाया था वो लगाया है 33,190 का, हमने यहाँ पे हाई लगा के ये क्लोजिंग दी हुई है। तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट हमारा है वही ऑलरेडी इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है, हमने यह ध्यान से देखिए तो हम 32,500 के नीचे क्लोज नहीं कर रहे हैं, हम क्लोजिंग आके 32,500 के ऊपर ही कर रहे थे और जो हमारा ये लेवल था 32,300 का लेवल था उस लेवल को भी हम कंटिन्यू यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं अभी। तो अब देखते हैं ऊपर की साइड में किस तरह की मूवमेंट हमें कल देखने को मिल सकती है। कल हमारी वीकली एक्सपायरी है तो जबरदस्त मूवमेंट बन सकती है वीकली एक्सपायरी के दिन, तो यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा। और दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी ऑप्शन आपको देखना है तो बैंक निफ्टी ऑप्शन की एक वीडियो मैं आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पे डालूंगा, उसको जाके देख लीजिएगा। कल सुबह सुबह हमें वो ट्रेड परफेक्ट एक ट्रेड मिलेगा बैंक निफ्टी में, वो कॉल साइड में जाएगा या पुट साइड में जाएगा, कल दोनों व्यू हमारा रहेगा ओपनिंग में, क्योंकि हमने क्लोजिंग एक ऐसी जगह पर दी है 32,990 पे। यहां से हम जिस तरफ भी जाएंगे एक अच्छी मूवमेंट आपको शुरुआत में ओपनिंग में 250-300 पॉइंट की एक ट्रेड आपको जरूर मिलेगा। तो बैंक निफ्टी ऑप्शन की वो वीडियो जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा, वो वीडियो मैं लगभग 5:30 से 6 बजे तक अपने आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पे डाल दूंगा, तो उसको जाके जरूर देखिएगा। अब देखिए यहां पर बैंक निफ्टी की जो हमारी क्लोजिंग है 32,990 के आसपास में हमारी क्लोजिंग है। चार्ट को मैं यहां पे करता हूं आपको, आवरली चार्ट पहले करता हूं। तो आवरली चार्ट पे अगर ध्यान से देखेंगे तो कल का सेशन मैंने बताया था कि कल के सेशन में देखिए कंटिन्यू यहां पे ये सस्टेन कर रहा है। आज ओपनिंग में हमें एक डिप जरूर मिली, जैसा कि मैंने कल बताया था कि ओपनिंग अगर हमें 380 के नीचे हम ट्रेड करते हैं तो हमारा टारगेट 200 का रहेगा, तो 200 वाला टारगेट यहां पे हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट होने के बाद वापस ये ऊपर गया। अब देखिए आवरली चार्ट पे कंटिन्यू यहाँ पे 4-5 बहुत अच्छी कैंडलें बनी हुई है, 4-5 बुलिश कैंडल बनी हुई है और बुलिश कैंडल के बाद हमने जो क्लोजिंग दी है, जो लास्ट हमारी बुलिश कैंडल है उसके ऊपर ही हमने अभी भी क्लोजिंग दी है, यानी लास्ट के भी 3 घंटे हमने ट्रेड तो किया ऊपर नीचे होकर, लेकिन जो लास्ट की जो बुलिश कैंडल थी उसके नीचे हम यहाँ पे नहीं आए। और जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, पहले जो हमारा सपोर्ट था, जैसे कि मैंने बताया था कि 33,220 के आसपास में सपोर्ट था, जैसे हमने ब्रेक किया हम कंटिन्यू नीचे की तरफ आए, आज देखिए उसी लेवल के आसपास हम पहुंचे। इसीलिए मैंने जो टारगेट आप लोग को दिया था, मैंने बोला था कि 33,000 के ऊपर मुझे बैंक निफ्टी अच्छा लग रहा है और 33,220 तक जा सकता है, लेकिन ये 33,190 के पास तक गया, क्योंकि हमारा 220, अब ये मान लीजिए रेजिस्टेंस के आसपास, हो सके वो 220 की जगह 240 भी चला जाए, 220 की जगह हो सके 200 के बाद में भी रिटर्न हो जाए। तो ये सब सारी चीज़ें आपका एक्सपीरियंस के साथ में आपको देखना पड़ता है। तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस था और इसी रेजिस्टेंस को हम फेस कर रहे हैं, इसके नीचे ही आके हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। अब कल के सेशन में हमें एक बेहतरीन मूवमेंट मिलेगी, इसकी एक्सपायरी का सेशन है तो थोड़ा सा नज़र बना के जरूर रखिएगा एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि एक अच्छे खासी मूवमेंट हमें मिल सकती है एक्सपायरी के दिन, तो हमें नज़र बना के रखनी है। और ऑप्शन की वीडियो जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि एक जबरदस्त मूवमेंट ऑप्शन में आपको सुबह सुबह जरूर मिलेगा बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी अगर नीचे की साइड में कल, अब यहाँ ध्यान रखिए अगर बैंक निफ्टी अगर नीचे की साइड में इस रेंज के नीचे जाता है तो हमारे लिए थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पे बनेगी, जो कि शुरुआत में आपको थोड़ा सा एक अच्छा खासा मूवमेंट दे सकती है। तो ये जो हमारा लेवल है वो है यहाँ पे 32,850 के नीचे अगर हम जाते हैं तो हमें एक शुरुआती एज मिल सकता है डाउन साइड का, जो कि इसको 32,700 और 32,550 के पास तक लेके आ सकता है। ये दो ट्रेड के लिए आप सुबह सुबह ट्रेड कर सकते हैं अगर हम इसी रेंज में ओपन होने के बाद में नीचे ब्रेक करते हैं। ध्यान रखिएगा ये मूवमेंट जो भी होगी वो मूवमेंट बहुत फास्ट होगी, तो आप यहाँ पे अगर फास्ट मूवमेंट ट्रैक कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तभी इस ट्रेड को आप लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम ओपन होते हैं बीच में, अगर 850 को ब्रेक करते हैं 32,850 को, तो नीचे की साइड में एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है। इसी लेवल पे ओपन होने के बाद में अगर हम 32, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तभी लीजिएगा, 33,050 के ऊपर अगर निकल जाते हैं, 33,050 के ऊपर एक दो मिनट सस्टेन होने देना आप, तो यहाँ पे हमें जो टारगेट मिल सकते हैं वापस हम 33,200 के आसपास तक जा सकते हैं। और 33,220 को ऊपर की तरफ निकालने के बाद में अगर सस्टेन हो जाता है तो हमारा टारगेट सीधा यहाँ पे 33,440 के आसपास का टारगेट हमारा यहाँ पे बैंक निफ्टी में रहेगा। तो यानी बैंक निफ्टी अगर 33,050 के ऊपर निकलता है और एक आध मिनट सस्टेन हो जाता है तो टारगेट हमारा कहाँ होगा 33,200 का, और 33,200 से 220 के बीच में थोड़ी देर सस्टेन हो जाता है उसके बाद हमारा टारगेट होगा यहाँ पे डायरेक्ट 33,450 का। तो ये दो टारगेट हमारे ऊपर की तरफ रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि अब यहाँ से ध्यान से अगर आप देखेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से देखिए तो हमारी जो आवरली चार्ट की रजिस्टेंस है ना वो यहाँ पर आ रहा है, इसी लेवल के आसपास आ रहा है, जो कि 33,440 के आसपास में ये रजिस्टेंस हमारा बन रहा है। तो अगला रजिस्टेंस हमारा कहाँ पर है, ये आवरली चार्ट जो ट्रेंड लाइन
पैटर्न है, ये आवरली चार्ट पे हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है। तो इस रेजिस्टेंस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस को ध्यान से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। आवरली चार्ट पे मैंने बनाया हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस है। दूसरा, जब हम पिछली बार जा रहे थे तो 33,500 के आसपास हम रेजिस्टेंस ले रहे थे, तो इस बार भी हम शायद 33,500 के आसपास रेजिस्टेंस लेते हुए देखे, इसीलिए हम 33,450 का टारगेट यहाँ पे लगा के चलेंगे। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम क्लोज कर देते हैं आवरली चार्ट पे, तो फिर हमारा टारगेट यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्ट 34,000 के आसपास का, यानी नेक्स्ट डे हम 34,000 के आसपास तक जा सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। अगर हम क्लोज करते हैं कल के सेशन में आवरली चार्ट में क्लोज करते हैं, तो ये दो हमारे टारगेट होंगे। पहला टारगेट यहाँ पे होगा 34,000 का, दूसरा टारगेट होगा यहाँ पे 34,500 के आसपास का। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा। लेकिन अगर नीचे की साइड में हमने क्लोजिंग हमने 32,500 के नीचे कंटिन्यू देना स्टार्ट करेंगे, तो फिर से हम 32,000 और वापस फिर 31,500 के लेवल भी देख सकते हैं। तो नज़र बना के रखिएगा कल के सेशन में, नीचे की साइड में 32,850, ऊपर की साइड में 33,050, ये दो रेंज होगी हमारी कल ट्रेड करने के लिए, अगर हम इस रेंज के बीच में ओपन होते हैं तब। अब मान लीजिए हम ओपन ही हो जाए 32,200 के आसपास में, तो 32,200 के पास में 5-10 मिनट एक रेंज बनने दीजिए। जैसे ही रेंज को हायर साइड में ब्रेक करेगा, आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट ऊपर की साइड में देखने को मिलेगी। और मान लीजिए गैप डाउन हो जाते हैं 800 के नीचे, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, तो तुरंत ट्रेड हमें नहीं मिलेगा, तो हमें वेट करना पड़ेगा रेंज का, प्राइस एक्शन का, उसके बाद ही आपको यहाँ पे ट्रेड मिलेगा। अब चलिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर और नीचे ले जाने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन की वीडियो आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पे डालूंगा, तो उस वीडियो को जाकर के जरूर देख लीजिए। कल हमारी एक्सपायरी है और अभी तक मैंने ऑप्शन की सिर्फ 3 वीडियो डाली है और तीनों ही हमारे टारगेट हिट हुए हैं, तो उस वीडियो को जाकर के जरूर देखिएगा, कल शायद एक बेहतरीन मूवमेंट आपको मिल जाए। लेकिन ट्रेड करने से पहले आप अपनी एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को जरूर फॉलो कीजिएगा। अब आज का जो हमारा पहला स्टॉक है वो है AU फाइनेंस पर नजर बना के रखिएगा, 1260 के ऊपर क्लोज करता है, तो इसमें आपको 1300 और 1350 के टारगेट वापस देखने को मिल सकते हैं। एक्सिस बैंक अभी मेरा यहाँ पे कोई व्यू नहीं है, वेट कीजिएगा। बंधन बैंक भी देखिए उसी रेंज के अंदर में है, लेकिन इंट्राडे में कल ट्रेड कर सकते हैं अगर आज के हाई को निकालता है तब। फेडरल बैंक यहाँ पे 80 के ऊपर अगर क्लोज करेगा, तो कोई रिस्की ट्रेडर है तो 75 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। HDFC बैंक यही वीक है, ये तब तक वीक ही रहेगा जब तक अब ये 1480 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा। जब तक ये 1480 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक HDFC बैंक वीक ही रहेगा। और ध्यान रखिएगा HDFC बैंक बैंक निफ्टी को काफ़ी तेज़ी से मूव करेगा यहाँ पे। ICICI बैंक ये भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा, इसमें भी वीकनेस ही रहेगी जब तक ये 600 के नीचे है, तो शायद 600 के आसपास फिर से यहाँ पे सेलर एक्टिव हो सकते हैं। कल के सेशन में देखना है, अगर हाई को ब्रेक करे तो 5-7 रुपये की मूवमेंट ऊपर की साइड में जरूर देखने को मिल सकती है। IDFC फर्स्ट, इसने काफ़ी अच्छी कैंडल बनाई है आज के सेशन में, तो किसी ने अगर बाइंग किया हो तो सेल जरूर 53 का यहाँ पे लगा लीजिएगा। इंडसइंड बैंक यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा, अगर ये लो को ब्रेक करता है यानी 918 को ब्रेक करता है, तो ये 900 के आसपास तक वापस आ सकता है, तो नज़र बना के रखिएगा इंडसइंड बैंक में नीचे की साइड में। ऊपर की साइड में देखिए कल एक्सपायरी है, तो थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। अगर ये 951 के ऊपर ट्रेड करे तो यहाँ पे 960 और 970 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और फ्री बैंक निफ्टी ऑप्शन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स या अलायंस ब्लू में से किसी एक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद अगर आप एक्टिव होकर वहाँ पर ट्रेड करते हो तो आप हमारी फ्री ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फ्री ट्रेनिंग के रजिस्ट्रेशन 18 अप्रैल से स्टार्ट होंगे और उसकी ट्रेनिंग 25 अप्रैल से स्टार्ट होगी। अगला स्टॉक जो हमारा है वो है कोटक बैंक, तो कोटक बैंक पर नज़र बना के रखिएगा, 1810 के ऊपर अगर कंटिन्यू सस्टेन करने लगा तो टारगेट इसके 1840 के मिल सकते हैं कोटक बैंक में। पीएनबी जब तक 40 के ऊपर नहीं निकलेगा वीकनेस यहाँ पे बनी रहेगी। आरबीएल बैंक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जैसा कि मैंने बताया था कि 200 का है, किसी को रिस्क लेना है तो यहाँ पे रिस्क ले सकता है, लेकिन सेल उसको 200 का यहाँ पे लगा के रखना पड़ेगा। SBI में अभी कोई क्लियर कट व्यू नहीं है, क्लियर कट व्यू तभी होगा जब ये 378 के ऊपर क्लोज करेगा। अगर बेस्ट मूवमेंट ढूंढनी है तो 385 के ऊपर इसे क्लोज होने दो, उसके बाद ही आप लेना। अगर शॉर्ट टर्म व्यू आप ढूंढ रहे हो तो 376 के ऊपर क्लोज करें तो 385 के टारगेट के लिए आप इसे ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, नीचे की साइड में ये 350 के नीचे कंटिन्यू क्लोजिंग इसको वीक करेगी और 330 के पास तक लेके आ सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।